वेलकम एवरीवन, दिस इज़ अनीता एहसान और आज हमारा फाइन आर्ट्स का पांचवा लेसन है और आई होप आप लोगों ने पिछले लेसन देखे और उन्हें प्रैक्टिस किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ लेसन वन से स्टार्ट करें और प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप वाकई आर्ट्स की फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप भूल जाएंगे, आप कभी भी देख के कुछ सीख सकते हैं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक रूल है, रूल ऑफ थर्ड। अगर रूल ऑफ थर्ड्स, ये वो रूल है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था और मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा और इसको समझिएगा, ताकि ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होती हैं, अगर आप इनको मद्देनज़र रखो तो आप एक अच्छी पेंटिंग, अच्छी स्केच बना लेते हो। मैं जब मुझे इस रूल का पता चला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अपनी पेंटिंग्स इतनी अपीलिंग क्यों नहीं लगती थी। मैं जब करती थी उसमें काफ़ी सारी, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो उसमें वो बात नहीं है जो किसी और की पेंटिंग में। आप जब तक आप सीखते रहते हो, आपकी ग्रोथ होती रहती है, आपके टैलेंट की ग्रोथ होती रहती है। आप सीखना छोड़ दो तो आप समझ लो कि आप वहीं रुक जाते हो। तो अच्छी बात है आप लोग देखते हैं वीडियोस और आप वीडियोस को पसंद करते हैं और प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये मैं कह लूँ कि आप इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप जल्दी जल्दी आप एक बड़ी अच्छी कंपोजिशन खुद कर लेंगे, एक बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं कि आप एक बड़ी अच्छी ड्राइंग, स्केचिंग और ये सब कुछ आप खुद ही कर लेंगे और आप इस पेज पे होंगे कि आप अपनी ड्राइंग्स, अपनी पेंटिंग्स किसी को दिखा सकें और सेल कर सकें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। अब हम आते हैं पॉइंट पर, वो है हमारा आज का रूल, वो है रूल ऑफ थर्ड्स। अब रूल ऑफ थर्ड्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रूल अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, हमारी जो फोटोग्राफी है उस पर भी यही अप्लाई हो रहा होता है। और जो लोग इस रूल को फॉलो करते हैं, एक्चुअली उनकी पेंटिंग्स, उनकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती है। और मैंने जितने बड़े पेज पे ये चीज़ें, फोटोग्राफी देखी है या पेंटिंग देखी है, उसमें मैंने नोट किया, इस जब मुझे इस रूल का पता चला, मैंने नोट किया कि वो वाकई उन लोगों ने इस रूल को अपनाया। अब ये रूल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेंटिंग है या ये एक पिक्चर है, कुछ भी कह लें, हम पेंटिंग की बात, क्योंकि हम आर्ट्स का सीख रहे हैं, फाइन आर्ट्स का, तो हम पेंटिंग की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पेंटिंग है, इसको हम 3/2 में डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ से भी, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। ओके सॉरी, शायद थर्ड नहीं है ये। ओके, अब ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये इस फ्रेम का तीसरा हिस्सा है। अगर कोई पेंटिंग आप देखें, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उनकी या कोई फिलोसोफर्स हैं या कुछ भी है जिनकी पेंटिंग्स मौजूद है, म्यूज़ियम में है या काफ़ी मशहूर है, तो वो पेंटिंग्स मिडल में नहीं होती, वो पेंटिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं। एक उसका जो आपकी पेंटिंग का थर्ड वाला पोर्शन होता है, वहाँ से आपके फ्रेम का जो थर्ड पोर्शन है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे फेस हो, ये फेस बनाए इस पॉइंट से, और यहाँ पे उसके शोल्डर्स, ये वो बैठा हुआ है, ऐसे हो सकता है, या वो यहाँ पे आंखें बना लेते हैं, यहाँ से जो थर्ड वाला, यहाँ से जो हमारा 1/3 है, यहाँ से इस तरफ से यहाँ पे वो आंखें बना लेंगे, और इस तरफ से जो थर्ड है
उस पे बाकी का फेस और ये और ये यहाँ से उसकी उसकी बॉडी बना लेंगे, तो काफ़ी अपीलिंग लगती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लावर है, जैसे कोई सनफ्लावर है या कुछ भी है, वो इधर मिडल में बना हुआ है, वो इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा होता। अब आप इसको देखें, और अगर यही यही फ्लावर अगर ये इधर एक साइड पे बना हुआ है, सपोज एक इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बना है, ऐसे ही एक उन्होंने इधर बनाया है, तो ये पिक्चर ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। तो अगर हम इसी रूल को मद्देनज़र रखें और इसी रूल को मद्देनज़र रख के अपनी, जैसे हमने कोई भी तस्वीर बनानी है, हम पहले उस जगह की, फॉर एग्जांपल कुछ लोग लाइव पेंटिंग करते हैं, कुछ कोई पिक्चर ले लेते हैं, हम कोई पिक्चर लें तो हम हमारा जो फोकसिंग पॉइंट है, एक पॉइंट होता है जिसको जिस पर हमें फोकस करना होता है, या एक पॉइंट होता है, ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी कि जिसके ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए, जिसके ऊपर देखने वाले की नज़र जानी चाहिए, वो जो पॉइंट होता है वो आप वो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्लावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मर्द है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ भी है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, आप चाह रहे हैं कि देखने वाले की सबसे पहली नज़र इस पे जानी चाहिए, तो उसको अगर आप इन इन में से किसी पॉइंट्स पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगी और वो पेंटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप ज़रूर इस बात को घर में ट्राई करके देखें और इसको ऑब्ज़र्व करें, डिफरेंट इमेजेस निकाल के, डिफरेंट पेंटिंग्स निकाल के, डिफरेंट पोर्ट्रेट्स निकाल के आप इसको देखें, तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली ये रूल बहुत ज़्यादा काम करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और आई होप कि आपको ये रूल पसंद आया होगा। मुझे ये अभी मैंने रिसेंटली मुझे पता चला है इस रूल के बारे में, और आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, और मेरे पेज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, और ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर तक मिलता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।